शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। एबट रोड, डेविस रोड, गड़ी शाहू, गुलशन रावी, ठोकर न्यास बेग, धर्मपुरा, मॉल रोड, शादबाग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदे बरसी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है आज शहर में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। सीएनजी सारफीन के लिए खुशखबरी, सीएनजी की फराहमी शुरू, स्टेशन आज सुबह 6 बजे खुल जाएंगे। पाइपलाइन की मरम्मत के बाद पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर्स को गैस की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। दोस्त ही दोस्त के दुश्मन निकले, नवाकोट में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। दोस्तों ने घर में घुसकर 24 साल अरसलान और 12 साल मुलाजिम तारिक को कत्ल कर दिया। मकुलीन की ड्राइंग रूम में गला कटी लाशें बरामद हुई। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर शवाहद इकट्ठे कर लिए। लॉरेंस रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी नौजवान भी अस्पताल में चल बसा। बसंत के मामले में अब ये चूंकि मामला सब जुडिस है अदालत में, जब तक कोई अदालत से फैसला ना आए मैं उसमें सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। पंजाब में पतंगबाजी की कोई इजाजत नहीं, सूबाई वजीर कानून ने वाजे कर दिया। बिशारत राजा कहते हैं बसंत मनाने का मामला अदालत की सवाबदीद है। पंजाब में इस वक्त कार्ड फ्लाइंग एक्ट नाफिज है। धाती डोर से अब बात होना इंतहाई अफसोसनाक है। मिस्री शाह में बच्चे की मौत का सिर्फ नोटिस ही नहीं लिया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मिस्री शाह में पतंग लूटते हुए करंट लगने से तालिबे इल्म के जान बहक होने का मामला, मुतवफी शोएब के वालिद जावेद की मदियत में मुकदमा दर्ज। धाती डोर बिजली की तारों पर गिरने से बच्चा जान बहक हो गया। मुकदमे का मतन, मुतवफी के घर शोक, ताजियत के लिए लोगों की आमद, कोई हुकूमती नुमाइंदा इजहार ताजियत के लिए भी ना पहुंचा। नैब न कभी मंशा बम था और न होगा, हमें मंशा बम से तशबीह ना दी जाए। चेयरमैन नैब का अपोजिशन को पैगाम, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं सियासतदान हुकूमत से हों या अपोजिशन से, नैब के लिए सब बराबर हैं। अगर किसी ने जुर्म किया तो इसकी इंक्वायरी से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम के खिलाफ केस नैब ने लगाया, वजीर आजम की इज्जत मजरू नहीं बल्कि इज्जत में इजाफा हुआ। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब इसका हिस्सा नहीं होगा। कौन सा NRO, मैंने तो कोई NRO नहीं मांगा, रोजाना सिर्फ एक अखबार दे दिया जाता है, वही पढ़ता रहता हूं। नवाज शरीफ ने हाल दिल सुना दिया, नवाज शरीफ का जेल में टीवी न मिलने पर शिकवा। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज पर। कैदी नंबर 4470 से अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मरियम नवाज, वालिदा शमीम बेगम, हमजा शहबाज और जुनेद सफदर की कोट लखपत जेल में मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिदुल्ला खान, राजा आसिफ, राणा सनाउल्ला, राणा तनवीर, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब की भी मुलाकात। नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी जनूब पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद भी मिले। राणा सनाउल्ला के कोट लखपत जेल के बाहर हुकूमत परवार, बोले तहरीक इंसाफ को कौन लाया, क्यों लाया गया, अब तो रेड़ी वाला भी पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को सर्टिफाइड, क्लासिफाइड और क्लैरिफाइड चोर डिक्लेयर किया। स्पीडो बस में स्पीड से करप्शन हुई, प्यास चौहान के मुखालिफिन परवार, बोले फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और आले शरीफ मिन्नतें कर रहे हैं कि कुछ ले लो और जान छोड़ दो। हमजा शहबाज भड़के मारते हैं, इन्हें अपना हिसाब देना होगा, माफिया ने खजाना लूटा, इमरान खान भर रहे हैं। साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान को डी सीट करने की तैयारियां, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमत के तरमीमी नोटिस की हिमायत कर दी। हल्फ ना उठाना आवाम की तजीक और मुकद्दस ऐवान की तौहीन है, अरकान पंजाब असेंबली। मैं समझता हूँ बिल्कुल जरूरी है जी, क्योंकि हल्के के जो आवाम है उन्होंने अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट दिया था
और ये किसी का राइट नहीं बन जाता कि फिर वो जीतने के बाद कहे कि अब नुमाइंदगी नहीं करनी। इसमें ज़रूर ये तरमीम में ज़रूरी होनी चाहिए ये तरमीम कि एक कोई टाइम पीरियड मुतय्यन कर देना चाहिए कि उस दौरान अगर हल्फ ना लिया जाए तो उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा के उस हल्के की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जो पार्लियामेंटेरियंस इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि उन्होंने आवाम से जिनसे वोट लिए हैं और अगर वो यहाँ पर आकर हल्फ नहीं उठाते तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए जो है उन्होंने इलेक्शंस भी लड़े हैं, उन्हें इससे पहले भी काम करते रहे। समनाबाद के इकलौते चिल्ड्रन पार्क पर कानून के रखवाले काबिज, बगैर पूछे बताए पुलिस चौकी कायम। पार्क की एक किनाल राजी पर चार दीवारी, जवानों ने खेमे लगा लिए, पार्क के दरवाजे पर ताले, पीएचए बेबस, शहरी मायूस। 2007 या 8 की बात है जब से इन्होंने दीवार खड़ी करके ना ये हिस्सा ही पीछे अपने साथ मिला लिया। ये पार्क पब्लिक के लिए है बट इस पे ऑलरेडी हाफ पार्ट ऑफ जो गार्डन है उस पे कब्जा हुआ हुआ है। पुलिस स्टेशन का काफ़ी मुतअद्दिद बार हमने कंप्लेंट्स की हैं रिगार्डिंग के इसको फ्री किया जाए कि ये थाना यहाँ शिफ्ट किया जाए। एक दो दफ़ा बात भी की थी DSP साहब से, वो कहते हैं यहाँ पर हमें जगह ढूंढ दें। ये तो हुकूमत का काम है कि फिर वो जगह इनको ढूंढ कर दें, अच्छी जगह इनको ले जाएँ और यहाँ पर जैसे मोहल्ले से कम से कम चला जाए थाना ताकि मोहल्ले वालों को कुछ। सरकारी अराजी पर कायम इमारतों पर किरायों के मद में 32 अरब वसूली का मामला, जिले इंतजामिया महकमा एंटी करप्शन के रिडार पर। महकमा एंटी करप्शन ने DC और जिला इंतजामिया की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। गोबर के ढेर, मुर्दा जानवरों की बाकयात, गंदे पानी के जौहर, शहर की गोलाई कॉलोनी ताफुन ज़दा फिजा और बीमारियों का गढ़ बन गई। आधे शहर को गंदे माहौल से दूध की सप्लाई जारी। नए पाकिस्तान में नए इकदामात, तालीम सबके लिए, पॉलिसी पर अमल दरामद का अज़्म। पंजाब हुकूमत का PHA के मालियों को तालीम बालिगान कोर्स कराने पर गौर। इम्तिहान पास करने वाले मुलाजमीन के लिए तरक्की और तनख्वाह में इजाफे की तजवीज पर भी गौर। भेकेवाल मोड़ से नौमौलूद बच्ची जिंदा हालत में बरामद, राहगीर बच्ची को जिनाह अस्पताल छोड़ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की उम्र 2 से 3 घंटे है। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम खत्म, इंतखाबी दंगल 12 जनवरी को होगा। इंतखाबात में सदर की सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मारूफ सनतकार हाफिज आबिद अली की जानिब से सेक्रेटरी के उम्मीदवार अदील एहसान के एजाज में इशाइया। मलिक अदील एहसान कहते हैं इंतखाबात जीत कर वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। एजाज आर्ट गैलरी में पोस्चर के उनवान से नुमाइश सजाई गई, 19 मुजस्मों को नुमाइश की जीनत बनाया गया। पत्थरों पर तराशे फनपारे लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। और फुटबॉल के आलमी सितारे लाहौर में फुटबॉलर लुइस फेगो और रिकार्डो काका की पैकेजेस मॉल में आमद, शायकीन फुटबॉल की आलमी खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां।